हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा आपको पता है, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म जो है किसी के भाई किसी के जान का, उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और एडवांस बुकिंग क्या जबरदस्त लगी है। तो आपको पता है, सारे शोज हाउसफुल हो रहे हैं इतनी जल्दी इतनी फास्ट। वो सिर्फ सलमान खान की फिल्में कर सकती हैं यार। सलमान भाई सुल्तान ऑफ बॉलीवुड है भाई। की जब फिल्म आती है तो ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ जाती है। वैसे भी गर्मी चल रही है, गर्मी और जबरदस्त बढ़ गई है, बट सलमान भाई जब सामने होंगे वो गर्मी गर्मी नहीं लगेगी। अब की बार थिएटर में वो माहौल देखने को मिलेगा 4 साल बाद, जो 4 साल पहले देखने को मिलता था। सलमान खान के फैन इतने क्रेजी हो गए इस बात को लेकर कि कितनी जल्दी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आए, वो ताबड़तोड़ इस फिल्म को देखने जाए 1, 2, 3, 4 बार, कितनी बार। देखो, सलमान खान की ये फिल्म जो है 100% पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इतना मैं 100% बोल सकता हूँ। जिस हिसाब से इसके बस बन चुके हैं 100%, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत लंबे तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी 100%। ये सलमान भाई यही कारनामा, कोई और नहीं कर सकता। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ सलमान खान कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट इसका एक सॉन्ग रिलीज किया गया है, ओ बल्ले बल्ले। वो सॉन्ग में सलमान खान क्या कमाल के लगे यार, जबरदस्त लगे हैं, जबरदस्त लगे यार, मजा आ गया सलमान खान को। देखो वो स्टेप जो है कमाल का, उस पे जानी मास्टर की जो स्टेप जो है जबरदस्त है, सुपर्ब है। सुखविंदर की आवाज है, कुमार के लिरिक्स है, सब कुछ जबरदस्त है। मजा आ गया वो सॉन्ग देखकर। और सलमान भाई के स्टेप पे क्या कहने यार। तो जिस हिसाब से इस फिल्म के सारे गाने रिलीज किए गए हैं, वो सारे गाने ताबड़तोड़ जबरदस्त है, बहुत ही गजब गजब गाने हैं। और सारे गाने जो इस फिल्म के हैं वो सुपर हिट पहले से हो चुके हैं, तो इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस फिल्म को देखने के लिए। और सलमान खान के फैंस जो चाहते थे वो इस फिल्म में मिल रहा है उनको पूरी तरीके से। गाने भी मिल रहे हैं, इमोशन भी मिल रहा है, कॉमेडी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और डायलॉग बाजी की तो कमी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देख लिया। देखो जब इस फिल्म का ट्रेलर आया ना, तो लोग जो इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे वो भी इंटरेस्ट रखने लगे इस फिल्म को लेकर। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फिल्म के लिए हो गया है। तो 100% हम कह सकते हैं ये फिल्म बहुत लंबा चलेगी यार, 100% चलेगी। जिस इंसान को डाउट हो रहा था ये फिल्म चलेगी, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन ट्रेलर ने पूरी तरीके से माहौल बना दिया। ट्रेलर में सबको सब कुछ मिल रहा है, एक्शन जबरदस्त मिल रहे हैं, जिसमें भाई पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहा है। ऊपर से गाने आपको एक गिफ्ट और मिल रहे हैं, जितने गाने आए हैं फिल्म के सब जबरदस्त आए। तो आप लोगों को क्या चाहिए, यही चाहिए, एक फुल एंटरटेनमेंट फैमिली वाली फिल्म चाहिए। और पूरी साफ सुथरी प्यारी फिल्म है, और सलमान भाई फिल्म ऐसी होती है जो पूरी फैमिली आराम से देख सके। तो इस बार ईद पे होगा धमाका। देखो एक्चुअली क्या है, ये फिल्म 21 तारीख को रिलीज हो रही है, तो हो सकता है 18 से 20 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाए, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि नॉन हॉलीडे दिन है। लेकिन ईद के बाद, ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के बाद जितने भी टाइम आएंगे वो बढ़ता चला जाएगा कलेक्शन, क्योंकि ये फिल्म आगे चल के बहुत दूर तक जाएगी, ये हम पूरी उम्मीद रखते हैं। अब की बार लगता है फरहाद सामजी पूरी तरीके से सिक्सर मारने के मूड में है और मार ही देंगे, क्योंकि उनका साथ कोई और नहीं, सलमान खान है। सलमान खान वो कारनामा करेंगे जिससे इनको वो चीजें मिल जाएगी कि ये भी एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर है। एक बात और बता दें, लोग क्यों एक्साइटेड ज्यादा हो रहे हैं, इसमें पूजा हेगड़े सलमान खान की पहली बार जो जोड़ी बन रही है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और पूरी तरीके से वो पर्दे पे देखना चाहते हैं पूरी फिल्म में। दूसरा जो सुपरस्टार अपने जो वेंकटेश सर के साथ पहली बार सलमान खान काम करेंगे, और साउथ बॉलीवुड का जो तड़का होने वाला है, ये भी लोग कितने लोग एक्साइटेड इस चीज को देखने के लिए। और साथ में जो है शहनाज गिल हैं, पलक तिवारी हैं, सिद्धार्थ निगम हैं, जस्सी गिल हैं, राघव हैं, ये लोग भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं फिल्म के अंदर। और इन लोग का कमबैक जो है बहुत ही कमाल का होने वाला है। ये फिल्म एक रिकॉर्ड बनाएगी, ये फिर मैं बोलता हूँ, शुरू से वीडियो में बोलता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये फिल्म एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनेगी, ये लिख के ले लो 100% अंगूठा लगवा लो। क्योंकि सलमान भाई जब आते हैं तो मैं फिर बोलता हूँ, माहौल तो बनता है। ऊपर से सलमान खान 4 साल बाद आ रहे हैं, उनके फैंस कितना ज्यादा बेचैन है, 4 साल से सलमान खान को पर्दे पे नहीं देखे, तो अब की बार तो पूछो क्या माहौल होगा। और जो हिसाब से थिएटर के बाहर आप देख लो भीड़ लग रही है, क्योंकि सलमान भाई की फिल्म में हो लग सकती है, और किसी की फिल्म में नहीं लग सकती। हर तरफ पोस्टर पे सलमान खान की मालाएं, फूल, सब बड़े पोस्टर सलमान खान के लगाए गए हैं, उसके ऊपर लोग फैंस जाके फूल माला सब कुछ चढ़ा रहे हैं, ढोल ताशे सब अभी से बज रहे हैं, अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। जिस दिन रिलीज होगी तो सोचो क्या होने वाला है। बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जैसा स्टारडम सलमान भाई का है, सलमान भाई के आसपास भी कोई एक्टर नहीं आ सकता, क्या बोलती पब्लिक। वैसे हम बहुत एक्साइटेड हैं, 3-4 दिन और बचे हैं, सलमान भाई का दीदार होगा, हम तो कई बार जाएंगे, आप कितनी बार जाओगे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे एक बात ये चीज़ है कि मैं थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था जब इसकी ओपन बुक माई शो पे जब ये स्टार्ट हुआ, इसका एडवांस बुकिंग, मैंने सोचा कि यार कैसे ये शुरू में लेगी फिल्में। लेकिन 2 दिन पहले गैनेटिक सिनेमा में मुंबई में, वहां पे 2 दिन पहले ही रात में स्टार्ट हो गई थी एडवांस बुकिंग, वो स्टार्ट होते ही वो हाउसफुल हो गई, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस और आ गया यार, ये फिल्म आने वाले कल में तो जबरदस्त होने वाली है बॉस। और वही हुआ, आज यहां पूरी देश में स्टार्ट हो गई, जबरदस्त माहौल बना दिया फिल्म ने। अब इससे लग रहा है कि सलमान भाई फिल्म से फॉर्म में है भाई। दोस्तों आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार,
बेल आइकन दबा देना, बहुत सी मस्ती होने वाली है हमारे चैनल में, रहोगे बहुत मजा आएगी भाई साहब, अभी बहुत होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, सी यू अगेन हेटर्स, तुम्हारी तो जल गई होगी ना मेरे भाई।